उबर का जो वॉलेट में पेमेंट होती है बाकी उसको कैसे पेमेंट करे, ठीक है, पेमेंट कैसे करे, किस मेथड से करे, फोन पे, पेटीएम, गूगल पे, किस हिसाब से करे, तो आप लोग का आज लाइव प्रूफ दिखाने वाला हूं मैं अपने मोबाइल। हे दोस्तों नमस्कार, आज के नए ब्लॉग एंड नए वीडियो में आपका स्वागत है। दोस्तों आज तारीख है 22 फरवरी, टाइम हो रहा है शाम का 6। मैं हूं अभी हरिद्वार में, तो आप लोगों को आज बहुत चीज सीखने को मिलेगा। सीखने को क्या मिलेगा, आप लोग को वीडियो में बने रहना एंड तक। दोस्तों मेरा नाम मदन, मैं आप सभी को तहे दिल से स्वागत करता हूं, सभी को राम राम। दोस्तों आज जो बात करेंगे हम वो करेंगे उबर का जो वॉलेट में पेमेंट होती है बाकी उसको कैसे पेमेंट करें, ठीक है, उबर को पेमेंट कैसे करें, किस मेथड से करें, फोन पे, पेटीएम, गूगल पे, किस हिसाब से करें, तो आप लोग को आज लाइव प्रूफ दिखाने वाला हूं मैं अपने मोबाइल स्क्रीन पे। तो आप लोग बने रहना ब्लॉग के अंदर, अगर अच्छा लगे ब्लॉग तो लाइक जरूर कर देना और चैनल फर्स्ट टाइम सब्सक्राइब जरूर कर लेना दोस्तों। तो चलिए दोस्तों वीडियो में देरी ना करते, वीडियो को चलते हैं अपने वीडियो की तरफ, चलते हैं मोबाइल स्क्रीन पे। तो मेरी नजर होगी मोबाइल स्क्रीन पे, आप लोग यहाँ पे देखेंगे कैसे यूपीआई आईडी ऐड ऑन करना है। तो अभी मोबाइल स्क्रीन ऑन कर रहे हैं दोस्तों, है ना, आपके काम की चीजें है संभाल के रख लेना, नहीं तो बाद में दिक्कत हो जाएगी। दोस्तों ये आ चुका है आपके मोबाइल स्क्रीन पे, मेरा उबर अकाउंट ऑन है, ठीक है, ये उबर अकाउंट ऑन है। ये उबर अकाउंट में जैसे देखिए आपको यहाँ पे आपका काम है 00, सब कुछ ऊपर ये दिखाएगा यहाँ पे 00, ठीक है। अब यहाँ पे आपको क्या करना है, इस ये 3 डॉट जो ऊपर है ना 46, यहाँ पे लिखा हुआ है 46 नोटिफिकेशन आए हुए हैं मेरे, तो वहाँ पे अभी आपको ये काफी सारा यहाँ पे वो दिखेगा, मतलब क्या दिखेगा, ऑप्शन इनबॉक्स, रेफरल फ्रेंड, अपॉर्चुनिटी, अर्निंग, उबर प्रो वॉलेट अकाउंट। तो आप हर इसका ना जो उबर आपको नोटिफिकेशन देता है वो सारे यहाँ पे अब होता है। तो देखिए जैसे मेरा अकाउंट से ज्यादा हो गया टाइम पैसा, मतलब तो उन्होंने लिख दिया है ऊपर आपके अकाउंट में कैश ट्री ब्लॉक कर दी गई है 19 घंटा पहले मैसेज आया है, ठीक है दोस्तों। और उससे पहले भी उन्होंने ये लिखा है, क्या लिखा है कि आपका उबर को पेमेंट अब ओवर ड्यू अति देय हो चुका है। तो ऐसा नोटिफिकेशन वो देते रहते हैं जब उनका ड्यू हो जाता है। तो अभी अपन चलते हैं अकाउंट पे, ठीक है दोस्तों, इस पे हम क्लिक करेंगे, वॉलेट पे क्लिक करेंगे, वॉलेट पे क्लिक करेंगे, देखते हैं आपको क्या दिखा रहा है यहाँ पे। आप लोग बने रहना ब्लॉग के अंदर, इससे क्या होगा आप ही को जानकारियां प्राप्त हो रही है, हमें तो पता है भाई, हमें पता है। अब ये देखिए मेरे सामने आपको खुल गया ना 442 रुपये 69 पैसा ड्यू है। तो दोस्तों अभी देखिए मेक के पेमेंट लिखा आ गया, ये मेक के पेमेंट पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे ऑलरेडी मैंने डाल रखा है यूपीआई। तो जिस भाइयों को यूपीआई से अपना पेमेंट करना है तो वो पहले यहाँ पे क्लिक करें, ठीक है, ऐड पेमेंट मेथड, ठीक है, आपके मोबाइल में भी खुल रहा होगा, मेरा तो ऑलरेडी ये बना हुआ है, आप यहाँ से भी कर सकते हैं। देखिए यहाँ लिखा है ना क्रेडिट कार्ड, पेटीएम या यूपीआई, तो यूपीआई मैंने क्लिक किया, अब यहाँ पे खुल के आ गया फोन पे, पेटीएम, मोर यूपीआई ऐप। तो आपका मोर डन, सभी लोग फोन पे या पेटीएम चलाते हैं, लाइक फोन पे का हम एग्जाम्पल उठाते हैं। तो ये कह रहा है विल बी चार्जेस टू वेरीफाई योर सेव योर यूपीआई आईडी, तो आपका यूपीआई आईडी वेरीफाई करेगा, इसमें घबराने की बात नहीं है, तो आपको एक्सेप्ट कर लेना है और ये सीधा डायरेक्ट फोन पे के पेज पे ले जाएगा। हो सकता है स्क्रीन ब्लर हो जाए सिक्योरिटी अलर्ट की वजह से, तो आप लोग घबराना नहीं है, आप लोग भी यही प्रोसीड करना है दोस्तों, है ना। तो आप लोग को मैं दिखाता हूं करके, आज थोड़ा सा टाइम ले सकता है, हो सकता है उस केस में आपका नेटवर्क अच्छा हो तो वहां पर टाइम नहीं लेगा बिल्कुल, यहाँ पे ये टाइम ले रहा है दोस्तों, ठीक है। तो आप लोग गौर से ये चीजें नोट करना, नहीं तो इसमें क्या होगा आपका नुकसान आप ही का होगा और कैश ट्रिप ब्लॉक रहती है आप लोग का नहीं होता है। देखिए यहाँ पे लिखा गया कनेक्शन एरर, यू हैव द नेटवर्क कनेक्शन एरर, मतलब कुछ चीजें हैं नेटवर्क की वजह से। तो मैं दोबारा से इसको ट्राई करता हूँ, है ना, इससे क्या होगा आप लोग का, एक स्क्रिप्टेड नहीं है, मतलब प्रॉपर तरीके से मैं आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। देखिए प्रोसीडिंग योर पेमेंट विल बी लिखा गया, देखिए अब यहाँ पे मेरा, अब आप लोग को नहीं दिखाई देगा, यहाँ पे मेरे जो भी अकाउंट है वो यहाँ पे दिखना शुरू हो जाएगा दोस्तों। तो मैं ये काम करता हूँ, अपने अकाउंट को सिलेक्ट करता हूँ और यहाँ से पे नाउ कर देता हूँ, 1 रुपये मैं पे करूंगा, ठीक है दोस्तों। 1 रुपये पे करने के बाद मेरा हो गया आईडी वेरीफाई और ये पैसे 1 रुपये रिफंड आ जाएगा तुरंत, ठीक है, डन कर दिया मैंने।
मैं आ चुका हूँ अपने पेज, यहाँ पे आपको देखिए, यहाँ पे पहले दो ही यूपीआई दिख रहा था ना, अब तीन दिख रहा है। तो मैं क्या करूंगा, मैं अपने जिस अकाउंट से पे करना है, तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे ऑप्शन है सिलेक्ट करने का, तो मैं इससे किया, ठीक है। इससे करने के बाद दोस्तों यहाँ पे अब मेक योर पेमेंट पे आएगा, मेक योर पेमेंट 443 रुपए इसका मैक्सिमम, अब ये लेगा ही लेगा, जितना मतलब दिखा रहा उतना लेगा ही, लेके ही छोड़ेगा, उससे कम आप देना चाहते हो तो कम नहीं लेगा, अदरवाइज पहले ले लेता था। तो मैं अपना इससे जाता हूँ पेटीएम पे, सॉरी फोन पे और 443 रुपए इसको पे कर देता हूँ, फिर मेरी कैश ट्रिप अनलॉक हो जाएगी हाथों हाथ। पहले क्या था कि उसके लिए दो घंटा वेट करना पड़ता था, अब नहीं वेट करना पड़ता है। तो दोस्तों आप लोग को लाइव प्रूफ देखने को मौका पहली बार ऐसे देखने को मिला होगा, कोई यूट्यूबर आपको बताया गया नहीं जल्दी, तो आप लोगों ने फटाफट वीडियो सेव कर लेना है, दोस्तों में शेयर कर देना है। देखिए आपके सामने कनेक्टिंग योर सिक्योरली पेमेंट हो रहा है उबर अकाउंट पे। तो ये देखिए मैंने पेमेंट कर दिया 443 रुपए, सक्सेसफुल लिखा गया। अब जैसे डन करूंगा यहाँ पे देखो थैंक यू फॉर पेमेंट रिसीव्ड, उबर ने लिख दिया, और यहाँ पे मेरा जो ये 442 दिखा रहा था ये माइनस से बराबर में आ जाएगा। तो आप देखिए आपके सामने है, देखिए 31 पैसा प्लस में आ गया, प्लस में आने के साथ साथ आपका यहाँ पे मेरा नोटिफिकेशन में भी आ गया होगा, देखिए यहाँ पे क्या आया है, आपने उबर को पेमेंट किया इसके लिए इन्होंने मैसेज भेज दिया, ठीक है। थोड़ा सा नेटवर्क इशू है इसलिए स्लो चल रहा है, तो आप लोग प्रॉपर देखिएगा, यहाँ पे लिखा है हम आपको बताना चाहते हैं कि उबर को किया गया पेमेंट प्राप्त हो गया है, अपना नेगेटिव बैलेंस चेक करें, और उसके साथ साथ एक नोटिफिकेशन और आ गई है, आपके अकाउंट में कैश ट्रिप एक्टिव कर दी गई है, मतलब हाथ सातों साथ, मतलब हाथों हाथ वो चीजें इनकी तरफ से किया जा रहा है। तो टेक्निकल भी है, उबर से रिलेटेड भी है और टैक्सी से रिलेटेड भी मैंने इन्फॉर्मेशन आप लोग को दिया है। प्रिय मदन, जैसे मेरा नाम मदन है तो यहाँ पे लिखा है प्रिय मदन आपकी बकाया राशि भुगतान करने के लिए धन्यवाद, आपके अकाउंट में कैश ट्रिप फिर से चालू हो गई है, आप फिर से कैश ट्रिप लेने लगेंगे, ठीक है दोस्तों। तो ऐसे ही आपको करना है, इस स्टेप को फॉलो करना है। और दूसरा आपको मैं एक चीज बताता हूँ, जो भाई कैश ट्रिप ज्यादा एक्सेप्ट करते हैं उसके लिए तो ये ऑप्शन है, जो ऑनलाइन ट्रिप एक्सेप्ट करते हैं जिसका 5,000, 2,000, 4,000 इकट्ठा हो जाता है, उसके लिए वो अकाउंट में पेमेंट इकट्ठा हो जाता है। तो उसके लिए आप यहाँ पे वॉलेट पे क्लिक करके यहाँ पे कैश आउट का ऑप्शन होगा, दिखाता हूँ मैं आपको कैश आउट का। तो यहाँ से आप कैश आउट कटेंगे, 5 रुपए कटेंगे आपका, सेम डेट पैसे ट्रांसफर हो जाएगा आपका अकाउंट में, विद इन 15 मिनट के बाद से लेके कभी भी हो सकता है आपके अकाउंट में, ठीक है, लेकिन सेम डे में हो जाता है दोस्तों। तो इस जानकारी को आप लोग कैसा जानकारी लगा प्लीज कमेंट करके बताइएगा। अभी ये खुल रहा है, थोड़ा सा नेटवर्क इशू है यहाँ पे, क्योंकि मैंने जो ये देख सकते हो ऊपर वाईफाई जो कैमरा चल रहा है जिस मोबाइल से रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ उसी से ये कनेक्टेड है, तो इसलिए थोड़ा सा यहाँ पे देखिए ट्राई अगेन लिखा गया। तो दोस्तों देखिए यहाँ पे लिखा गया कैश आउट, आपको कैश आउट पे क्लिक करना है, आपका जब भी पेमेंट आएगा तो यहाँ पे देखिए यह लिखा गया, आपको एक शर्त यहाँ पे ऊपर रखा है, बैलेंस इज टू लो, मतलब मिनिमम 200 बैलेंस होनी चाहिए तभी जाके ये आउट करने देगा, नहीं तो नहीं करने देगा। सेम वैसे ही पेमेंट से फोन पे पेटीएम गूगल पे पेमेंट चला जाएगा, और इस तरीके से आप कर सकते हैं दोस्तों। तो ये इन्फॉर्मेशन आपको कैसी लगी प्लीज कमेंट कर बताइएगा, और अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा दोस्तों पे, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए दोस्तों। ये जानकारी आप लोगों के लिए बहुत मुश्किल से जुटाई है, मैंने बनाई है आप लोग के लिए वीडियो। तो दोस्तों हाथ जोड़ के विनम्र निवेदन है कि जानकारी को फॉलो करें, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए मिलते हैं दूसरी ब्लॉग में, मुझे दीजिए इजाजत, सभी भाइयों को राम राम, जय हिंद।